विदानितम्। सभी मंचस जत्थेदार और किसान बहनों और भाइयों, आप देखिए, मेरे से पहले हमारे साथी जत्थेदार कह रहे थे कि हम इस संघर्ष में जीतेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से साथी को भी ये आंदोलन जो है, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये ऐसे एक बेईमान से टक्कर है जो इस हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर बैठा है और सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। इसलिए इसमें लंबा लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोई किसान एक महीने तक मेहनत करता है साल में, तो उसको एक महीने की खेती प्राप्त होगी, और कोई लंबा संघर्ष करके पूरे साल भर खेती करता है तो उसे ज्यादा खेती प्राप्त होगी, अर्थात ज्यादा आमदनी होगी। ठीक यही स्थिति है। यही आंदोलन यदि 15 और 20 दिन के अंदर खत्म हो जाता तो कोई खास आपकी डिमांड पूरी नहीं होती, सामान्य बातें होती। अर्थात मान लीजिए खाली ये एमएसपी की बात नहीं है, खाली तीन कानूनों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान जो है इस मोदी ने इस तरफ बढ़ा दिया है कि गुलामी की कगार के ऊपर है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आने वाली मेरे से पहले हमारे साथी कह रहे थे, उन्होंने जो चाहे वो मीडिया है, चाहे चुनाव आयोग है और चाहे न्यायालय है, सब धराशायी कर दिया एकदम से। अभी आपने सुना होगा कल या परसों पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो केंद्र शासित राज्य हैं जैसे दिल्ली, उनके ये शक्तियां जो है पावर घटा दी गई है। ये धीरे धीरे करके जैसे रशिया के अंदर पुतिन और चाइना के अंदर जिनपिंग, उसकी मानसिकता ये है देश के अंदर एक ही पार्टी हो, जैसे वहां कम्युनिस्ट पार्टी है, यहां भी केवल बीजेपी हो, दूसरी पार्टी ना हो, और दूसरा पार्टी के अंदर भी कोई व्यक्ति दूसरा बोलने वाला इफ करने वाला कोई व्यक्ति भी ना हो। यह स्थिति देश के अंदर पैदा की जा रही है। दूसरा आप देखेंगे कि राम मंदिर के नाम से चंदा इकट्ठा हो रहा है। मेरी जात का आवाज सुन रही है लोगों को, विशेष करके जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, इनके लिए बता देना चाहता हूं, अभी 15-20 दिन पहले दक्षिण के शंकराचार्य का ध्यान है, मेरा नहीं है, मैं तो आरिशवादी हूं, मूर्ति विवाह का ध्यान रखी हूं, और इसलिए लेकिन शंकराचार्य जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, उनका ध्यान है 10-15 दिन पहले का, वो कहते हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर नहीं, आरएसएस का बीजेपी का ऑफिस बनना जा रहा है, उसका हिंदू मंदिर से कोई लेना देना नहीं राम मंदिर से, वो चंदा कोई व्यक्ति चंदा ना दे, वो चंदा मतलब क्या होगा, जिसके बाद आप ने देखा होगा सिंधु नदी के ऊपर हमारे किसान भाइयों के ऊपर किसने हमला किया, पुलिस ने नहीं, आरएसएस के गुंडों ने। ये सारा पैसा तुम्हारी काट फोड़ने में काम आएगा, इसलिए कोई व्यक्ति इन बदमाशों को चंदा ना दे राम मंदिर के नाम से। इसलिए ये सावधानी हर बात में रखनी पड़ेगी। आपने देखा होगा ये लोग आरएसएस के और बीजेपी के सदा से किसानों के लिए दुश्मन रहे। जो लाहौर के अंदर चौधरी छोटूराम ने यह बिल पास किया था किसानों के हक में और सरमायादारों के विरोध में, तो आपको पता होगा जो कल साल इस बिल को पास करके लाहौर से और दिल्ली की ट्रेन के अंदर बैठे रोहतक में आना था, तो हर स्टेशन के ऊपर इन बकालों ने, पूंजीपतियों ने, इन दलालों ने सब ने काले झंडे दिखाए थे। आपको पता होगा ये सन 36-37 की बात है 1900, और इसके बाद में जब कोई कंसी की प्रामिस्टी बनने की बात आई तो वे सारे मोरारजी देसाई के साथ खड़े हो गए, इनके 80 MP थे, सारे के सारे मोरारजी के साथ खड़े थे। इसलिए ये कभी किसानों के ना थे और ना रहेंगे कभी, इसलिए इनको पहचान करके इनका गौर निंदा की जानी चाहिए, कई कई जगह इनकी हिंदुस्तान के अंदर, अन्यथा ये बुतप्रस्ती, ये मूर्ति पूजा हिंदुस्तान को पहले भी गुलाम किया था, आज भी गुलामी की तरफ ले जाएगी। इस
इसमें जितना पाखंड ये लोग हिंदुस्तान में बढ़ाएंगे उतना इस देश का नाश होगा। इसलिए मैं तय करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग उनके पाखंड के उनके जार के अंदर ना आए। धन्यवाद।